इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपके अगर फोन में लग गया है प्राइवेसी का लॉक, आपके वीवो के फोन्स में लग गया है प्राइवेसी लॉक, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि अगर वो रीसेट करते हैं तो उनका पूरा डेटा चला जाएगा, उन्होंने जितने भी वाईफाई के पासवर्ड डाले थे या व्हाट्सएप में उनका अकाउंट था, उनका जीमेल अकाउंट था, उनकी फोटोज थी, उनकी वीडियोस थी, तो वो सब भी डिलीट हो जाएगी और मेन बात उनके कॉन्टैक्ट्स भी सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस वजह से उन लोग डर रहे हैं और रीसेट करने से भी डर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि आप उसको बैकअप कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को, और अपने कॉन्टैक्ट को कैसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, आपकी कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और मेरे हर एक स्टेप को फॉलो करना है। प्लीज़ आप मेरे हर एक स्टेप को फॉलो करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सोर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमको प्रॉब्लम क्या आती है, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि मिडिल में है, तो यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। और अब उसके बाद यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ओपन ही नहीं होता है, हम कितने बार भी यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ ओपन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर वन पूछता है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम टू पे पूछता है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड इन चाइल्डहुड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर लिखकर आता है इनकरेक्ट आंसर, यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर टू वन और मोर ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चन, चेक योर आंसर एंड ट्राई अगेन, ऐसा लिखकर आता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा डेटा भी ना डिलीट हो और हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन का पहले आपको बैकअप ले लेंगे तो आपके जितने भी वाईफाई के पासवर्ड होंगे, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो आपकी वापस आ जाएंगी जब आप वापस से इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग में आना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोर सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बैकअप लेना सिखा रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट दिखेगा, बैकअप एंड रीसेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैकअप डेटा दिखेगा, तो यहाँ पर आपको बैकअप डेटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वीवो क्लाउड सर्वर पूछ रहा है, गूगल सर्वर पूछ रहा है, तो आप किस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादातर गूगल का ही यूज करते हैं तो गूगल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैकअप माई डेटा का ऑप्शन यहाँ पर मैंने ऑन रखा हूँ, तो यहाँ पर आपको बैकअप अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको जीमेल सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको जीमेल सेलेक्ट करना है और आपको इस जीमेल का पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आप जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो एक काम करिए, रीसेट करने से पहले इस ईमेल को आप लिख कर रख लीजिए, जो भी आपका ईमेल है, कि आप भूल ना जाए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको लिख कर कहीं पर रख लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में कि उसको आप फॉरगेट कैसे कर सकते हैं और आप पासवर्ड कैसे जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव यहाँ पर ओके कर देना है। आपकी गूगल ड्राइव में देखिए क्या क्या जाएगा, एप्लीकेशन एंड डेटा, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस सेटिंग इंक्लूडिंग वाईफाई, पासवर्ड, ऐप परमिशन और SMS, ये सब आपकी डेटा आपका वहां पर बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है तो यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पर बैकअप अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैकअप अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बैकअप डेटा हमने कर लिया, तो ये चीज इतनी चीज वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब बात रही आपके कॉन्टैक्ट कैसे वापस आएंगे, तो कॉन्टैक्ट के लिए आपको क्या करना है, तो कॉन्टैक्ट के लिए आपको चले जाना है सेटिंग में,
सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे, उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप सेटिंग दिख रहा होगा, तो सिस्टम ऐप सेटिंग पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स दिख रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, तो इस पर आपको करना होगा क्लिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर लेना है आपके मेमोरी कार्ड में, या फिर पेन ड्राइव में, या फिर कहीं ओटीजी केबल से किसी भी चीज में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सब सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। ये आपको एक्सपोर्ट दिख रहा होगा, और ये देखिए एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, तो मैं मोबाइल स्टोरेज में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, फिर मोबाइल स्टोरेज से यहाँ पर किसके भी फोन में सेंड कर दूंगा ये फाइल को। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग एक्सपोर्ट, यहाँ पे VCF लिख के आ रहा है, तो ऊपर यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। देखा आपने, यहाँ पर एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट है, ये फाइल कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर चले जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ लोकल फाइल में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी होगी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो फाइल कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट की फाइल तो यहाँ पर ही होगी। तो यहाँ पर ऐसे नहीं दिखे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं VCF डाल के ऐसा सर्च कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये रही मेरी फाइल, मैंने अभी इसको करा था एक्सपोर्ट, ये अभी की 11:25 AM की, ये तो पहले की है, ये अभी की है। तो ये फाइल है, ये आपकी कॉन्टेक्ट फाइल, आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड में, बाद में उससे ले लेना, आपके पूरे कॉन्टेक्ट इसमें सेव है। तो अब रीसेट आप कर लेंगे तो ये कॉन्टेक्ट को वापस कैसे लाना है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है, वहीं पर आपको दिखेगा इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, तो आपने पहले एक्सपोर्ट किया था, रीसेट करने के बाद यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है, तो वही फाइल देखिए यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बैक कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट्स तो आ जाएगा। अब उसके बाद हम व्हाट्सएप को कैसे लाए, हमारे व्हाट्सएप का जो डेटा है, जो चैट्स है, उसको कैसे लाए, तो क्या करना है, हमको चले जाना है अपने व्हाट्सएप में, और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेटिंग पर हमें क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैट्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर चैट बैकअप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए बैकअप, यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, तो बैकअप पर अभी क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पर पहले गूगल अकाउंट पे यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर डेली पे क्लिक कर लेना है, और अकाउंट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे पहले ये आपको सेलेक्ट कर लेना है बैकअप ओवर वाईफाई सर्कुलर, उसके बाद यहाँ बैकअप पर आप क्लिक कर लेना है। देखिए ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए ये बैकअप यहाँ से हो रहा है, प्लीज गूगल ड्राइव बैकअप, तो यहाँ से ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा बैकअप, तो आपके इससे आपके व्हाट्सएप की भी सब चैट्स वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको बैक करना है, अब आपका क्या आता है, आपकी इमेज फाइल्स जो भी है वो कैसे बैकअप करें। तो आपकी इमेज फाइल्स के लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना है फाइल मैनेजर में, और आपको चले जाना है फाइल मैनेजर, आपकी यहाँ पर जितनी भी फाइल्स है तो आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और या आपको जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कट करना है, और यहाँ पर आपको बैक करना है, और SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है आपकी जितनी फाइल, यहाँ से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके फोन में SD कार्ड नहीं है तो आप OTG केबल की मदद से कर सकते हैं, या फिर आप जितनी भी आपकी फाइल है आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डाल के आप पूरी वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर, या फिर आप शेयरइट से किसी फ्रेंड को सेंड करके या दूसरे फोन में सेंड करके आप वहां से वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये सब बैकअप आ जाएगा। तो हम अब रीसेट कैसे करें अपने फोन को, तो आपको रीसेट करने के लिए आपको करना क्या है,
आपको चले जाना होगा अपनी फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मोर सेटिंग में चले जाना है। और मोर सेटिंग में जाने के और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इरेज ऑल डेटा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर ऑल डेटा पर, यहाँ पर आपको ऐसा क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा शायद टाइम लेता है, तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आता है क्लियर नाउ का, तो आप यहाँ पे क्लियर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, एसडी कार्ड को आपको फॉर्मेट नहीं करना है, आपको फोन को फॉर्मेट कर लेना है लेकिन एसडी कार्ड को फॉर्मेट नहीं करना है। यहाँ से क्लियर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। और आप बैकअप का तो मैंने पहले ही बता दिया था आप कैसे बैकअप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।